नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक सीलिंग फैन है। दोस्तों आप देख रहे हो पूरा कैसा निकला हुआ है। कैसा निकला होने के कारण है कि एक दुकानदार लेके आया इसको। अब पूरा सेट देखिए, ये पंखा इस तरह से एकदम ऊपर नीचे हो रहा है और पंखा चलता है, बोलता गों गों करता है, चलता नहीं है। तो सब देखने वाले इसमें क्या हुआ है और जो भी हुआ इसमें रिपेयरिंग करा वाले हैं। दोस्तों पंखा हमारा ओरियन कंपनी का है, एकदम ओल्ड मॉडल पंखा है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, इस टाइप के पंखे सबको रिपेयरिंग करना जमता नहीं है। तो हमने सोचा कि वीडियो बना दूँ ताकि लोग जान पाए अच्छे से और काम कर पाएँ। दोस्तों देखिए, अगर अपने को पंखा खोलने का है तो उसके अंदर देखिए, इसमें तीन स्क्रू है। अभी तीन स्क्रू खोल लें। दोस्तों कस्टमर ने खोल के चेक भी किया है, उसने बोला कि इसे इससे बुझ गया, बुझ डालने का उसको, उसको जमा नहीं, फिर ला के मेरे को दिया उसने। दोस्तों हमने इस काम के लिए ग्राहक को 350 रुपये चार्ज किया है, दुकानदार को, ग्राहक को नहीं। हमारा ग्राहक है, दुकानदार ग्राहक है ये। दोस्तों फिर ऊपर का आपको 300 खोल देना है। हाँ दोस्तों निकल गया। ये अपना रोटर बाहर निकाल लें। दोस्तों देखिए, हमारा था कि अपना बेरिंग का भी जगह ढीला है क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा था। ये देखिए, एक तो ये ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है, दूसरा लगता है इससे बुश भी गया हुआ है। दोस्तों देखिए कितना प्लेस के अंदर है, अब इतना प्ले होगा तो कैसे निकलेगा ये। अब दोस्तों देखिए, इसको बुझ डालना काफ़ी आसान है। आसान मतलब आपको सीटिंग थोड़ी आसानी है, निकालने में आसानी, बस बाकी कोई आसानी कोई नहीं है। किसी किसी में क्या होता है, ये जो बुश है, बुश निकालने के पीछे जगह नहीं होता है। अब जगह नहीं, उसको ठोकने में निकालने में बहुत दिक्कत होती है। अब दोस्तों देखिए, मैं इसको निकालने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करें, आप इसका ये कवर निकाल लें। दोस्तों इसको गायब नहीं करना अपने को, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जो नमदा है इसमें आप ऑयल भर देंगे तो उससे बुश की लाइफ अच्छी रहती है, तो इसको रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब कभी आपको बुश लगाना हो तो इस टाइप का आपको लादी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बुश ठोके तो बुश एकदम आराम जाना चाहिए। क्या होता है, अगर बुश ठोकेंगे आप और जंप करेगा तो बुश जाने में बहुत दिक्कत होगी। दोस्तों खैर इसके अंदर जगह है तो आप इस तरह सा ऐसा रख लें, और ऐसा कोई चीज़ हो जो कि बुश के माप का हो, यानी बुश उसके अंदर घुस जाए, ऐसा सामान हो। दोस्तों मेरे पास एक 24 नंबर का बॉक्स बना है, मैं इसको रखूँगा ऐसा, और फिर आपको ठोकना है। दोस्तों ठोकेंगे और ठोकते समय भी आपको ये जो सरफेस है उसके माप का होना चाहिए, ताकि बराबर इसके अंदर चला जाए। दोस्तों देखिए, अभी अपन निकालने का है तो निकालिए, हल्का फुल्का इफेक्ट चलेगा, लेकिन ठोकते समय एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इस तरह रखें, ऐसे ठोक दें। दोस्तों देखिए, बुश निकल गया है। अभी आप क्या करें, अभी बुश का नंबर देख लें कि आपका बुश कौन से नंबर का है और कौन सा है। और दोस्तों हमारा जो बुश लगा ये 385 1X है, इस पर लिखा रहता है 385 और 1X है, तो क्यों ऐसा बना रहेगा एक्स। वहीं अगर 385 2X रहेगा तो यहाँ पर 385 लिखा रहेगा और लिखा रहेगा 2, फिर एक्स बना रहेगा। हमारा 385 ओनली एक्स बना है, तो 385 1X है ये। अभी आप क्या करें, आपने बुश निकाल दिया है, बुश निकालने के बाद आप इसको ऐसा रख लें और साफ्टिंग को साफ करें पहले, और देखिए साफ्टिंग क्या पोजिशन है, साफ्टिंग खराब है क्या, कटा है क्या। दोस्तों देखिए, साफ्टिंग में काफ़ी
लाइन है, अगर लाइन है तो अपने इसको साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन रहेगा तो क्या होगा, आपका बूस्ट जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आपको पॉलिशेबल लें या फाइल लें और इसको फाइल पहले क्लीन करें। दोस्तों देखिए, फिर आप पॉलिशेबल लें, अब पॉलिशेबल दोस्तों यहाँ जो यूज़ करेंगे आप, एकदम नया पॉलिशेबल लेना पड़ेगा जो अपने घसने का है। फिर दोस्तों काम करें, इसको आप निकाल लें, क्योंकि पता नहीं बेरिंग क्या पोजिशन है, इसको आप निकाल लें, इससे क्या होगा आपको घसने आसान रहेगी। अब दोस्तों मैं सापनी छठे बाहर निकाल लेता हूँ। तो सारे सामान को बराबर व्यवस्थित रखें, घुमाएं ना आप। अब दोस्तों जो निकलना है तो कभी आप गलती से यहाँ फटके न दें, कुछ लोग यहाँ फटके देते हैं, यहाँ फटके देंगे तो आपका ये डंडी लगाने में बहुत दिक्कत होगा, लगा नहीं पाएंगे। और कितनी बार क्या होता है, पंखा लोग रिपेयर भी नहीं कर पाते अगर यहाँ फटका आपने दे दिया। कभी गलती से आपको यहाँ मारना नहीं है। आप इस चादर को इस तरह पकड़ें और अच्छे से इसको घसें, टनाटन नहीं जान, इसका ऐसे पकड़ लें, इसको आराम से। अब दोस्तों देखिए, हमने इसको घस दिया है, अभी अपने को बूस्ट निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करें, आप पहले बूस्ट ले लें। दोस्तों देखिए, अभी अपने को बूस्ट लगाना है तो अपने को साइज देखना पड़ेगा। कौन सा लग रहा है हमारा, ये तो इस पर नंबर ही नहीं, हमारा ये टाइट जा रहा है, लग रहा है ये लगेगा। दोस्तों बूस्ट डालना इतना आसान काम नहीं है, बूस्ट डालने में काफ़ी मेहनत लगता है और बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है, इसलिए सब लोग बूस्ट डालने काम लेते भी नहीं हैं। हाँ दोस्तों ये परफेक्ट है, लेकिन इसमें काफ़ी धूल मिट्टी है तो इसको देखना पड़ेगा अपने को कि बूस्ट के अंदर तो नहीं है। अभी आप क्या करें, पहले इस पर ऑयल लगाएँ, ऑयल लगा के बूस को 10-15 बार 20 बार 15 बार करेंगे तो उसमें धूल मिट्टी को साफ हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको परफेक्ट साइज मिलेगा। ऐसे बूस वहाँ नहीं है लेकिन रखा है बहुत सालों से, दोस्तों ये सब जल्दी चलता नहीं है तो ये इसकी वजह से पड़ा रहता है। और मेरे पास तो वो सामान कितने पुराने पुराने मुझे खुद मालूम नहीं है। अब इसको पहले अंदर बाहर करें, इससे क्या होगा तो धूल मिट्टी होगा निकल जाएगा। दोस्तों देखिए, बूस हमारा परफेक्ट साइज है, ले थोड़ा भी नहीं है। तो सभी आप ठोकेंगे इसको, ठोकने बाद हल्का बहुत टाइट हो जाएगी, अगर टाइट हो जाएगा तो फिर से अपने को पॉलिश में मार के साइज के बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिटिंग करना पड़ेगा। डायरेक्ट फिटिंग नहीं कर सकते, इसके लिए बूस्ट डालने काम जो मेरे पास ग्राहक आता है तो मैं 450 लेता हूँ और दुकानदार है तो 350 लेता हूँ, और 100 रुपये डिस्काउंट क्योंकि लाए हैं वो, उनको तो 100 रुपये मिलना चाहिए। अब दोस्तों इसको ऑयल को साफ करें, देखें कि आपको बूस कैसा है। ऐसे बूस हमारा बोला फिर से कि नया है, ये तभी आपको देख लेना है। हाँ दोस्तों, बूस हमारा जितने बढ़िया है, टकाटक है, कोई लफड़ा नहीं बूस का, आप देख पा रहे हैं बूस से एकदम दिख रहा है। हाँ दोस्तों, हमारा ये प्लेन हो चुका है, हमारा बूस्ट भी एकदम परफेक्ट साइज का ही है। अभी आपको क्या करना है, अब बूस्ट ठोकेंगे आप, और तो हमने उससे पहले कहा कि आपके पास लादी होना बहुत ज़रूरी है, इस पर ठोकने से क्या होगा, ये जम करता है, बराबर काम हो नहीं पाता, तो इसके लिए ऐसा कोई लादी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। फिर आप बूस्ट एकदम सीधा रखें, एकदम स्ट्रेट रखना है, और फिर कोई ऐसा कोई सामान हो जो कि आपके बूस्ट को पूरी तरह कवर करता हो। देखिए हमारा जो वॉल है ये एकदम परफेक्ट है और पूरी तरह कवर कर रहा है। दोस्तों दूसरी बार बूस्ट ठोकेंगे, आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं ठोकना है, एकदम सीधे जाना चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए, टेढ़ा हुआ काफ़ी दिक्कत करेगा ये, क्योंकि बूस्ट का सिकुड़ सकता है, सिकुड़ गया तो फिटिंग करने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो एकदम सीधा रखें और फिट हो गए। दोस्तों देखिए, हमारा एकदम बराबर जा रहा है, दोस्तों चला गए, आवाज़ सामान पड़ जाता है कि हमारा बूस्ट जा चुका है। दोस्तों देखिए, एकदम सेम सरफेस पर चुका है और वो सही। अब आपको डाल के देख लेना है कि आपने ठोका है कहीं सिकुड़ तो नहीं गया,
हाँ दोस्तों, थोड़ा टाइट हो चुका है ये, हमने आपसे पहले कहा अगर टाइट हो गया है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको इसको मारना पड़ेगा पॉलिशेवर। दोस्तों देखिए, अभी हमने यहाँ डाल रहे हैं तो आगे अटक रहा है ये और पीछे थोड़ा खट्टा दिख रहा है ये, तो अभी क्या करना पड़ेगा अपने को, ये पीछे बराबर है, परफेक्ट साइज है, आगे गड़बड़ है, तो इसको फाइल से बहुत टाइम जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ इसे घसता ग्राइंडर से। अब दोस्तों देखिए, अगर आप ग्राइंडर चलाएंगे अभी तो बड़े सावधानी बड़े प्यार से करना पड़ेगा, थोड़ा भी गलती हुई तो आपको वाइंडिंग काम हो जाएगा, एकदम ध्यान से। अब दोस्तों आप ग्राइंडर चलाने गए, फिर आप देख पा रहे हैं निशान, यहाँ पे आपको निशान को उस तरफ रखना है, इधर नहीं आना है कि वहाँ हमारा बुश चलता है। दोस्तों देखिए, घर से थोड़ा दिक्कत हो रहा था तो इसके मैं यहाँ लगा देता हूँ, और अभी इसको घुमाते रहेंगे ग्राउंड की जगह पकड़ के रखेंगे, तो इससे क्या घर से मजी आसानी होगी। दोस्तों देखिए, हमने जो घसा है ये जगह, हमारा बुश यहाँ चलता ही नहीं है, बुश के बाहर वाला भाग है, हमारा बुश चलता है जहाँ पे नहीं घसा वहाँ पे। अभी आपको अंदर ग्राउंड नहीं चलाना है क्योंकि सामने खराब हो जाएगा, तो अभी अंदर की जो घसना है अपने को, अब वो घसा बड़े पॉलिशेबर से ही, अभी आप देख लें। दोस्तों हल्का फाइल मार दें ताकि जो ग्राउंड से अपने घसा है हल्का होम बाहर आ जाता है, ताकि पहले आपका होम जो है ख़त्म हो जाए, उससे क्या होगा अगर होम रहेगा आप घुसाएंगे साफ्टिंग के अंदर बुश, बुस खराब हो सकता है, क्योंकि बुस में एकदम प्लेन होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, तभी वारा सही रहता है, खड्डी खुड्डा रहेगा घुसा देंगे तो आपका ख़राब हो जाएगा वो। दोस्तों पहले परफेक्ट साइज में ले आए, उसके बाद फिटिंग करना आपको। अब देखें क्या पोजीशन है इसका, क्या बोल रहा है ये, तकलीफ देगा कि रेडी है अभी बैठने के लिए। दोस्तों हमारा बुश यहीं तो रहता है। दोस्तों देखिए, हमने पहले कहा आप कि जहाँ बुश वाला जगह है थोड़ा घसा हुआ था, ये परफेक्ट है, हल्का सा और पॉलिश मारना पड़े अपने को। इससे पता लगना चाहिए अपने को, क्योंकि पता चलेगा नहीं। दोस्तों फाइल चला रहे हैं आप एकदम ध्यान से, एकदम केयरफुल होके, और देखिए मैं कैसे चला रहा हूँ, फाइल को बिल्कुल अंदर रखा हूँ मैं, उंगली मेरी बाहर है, ताकि उससे हमारा कहीं गलती से हमारे वाइंडिंग पिन लग नहीं जाए, लग गया तो काम पड़ जाएगा। देखिए मैं किस तरह पकड़ा फाइल को, बिल्कुल फाइल वाइंड से पहुँच ही नहीं सकता। दोस्तों पहले फाइल में एकदम चिकना कर लेना है, उसके बाद क्या करना है फिर आपको इस पर लगा दें ऑयल, ऑयल लगा के आपको एक बार देख लेना है बुश को क्या आपका एकदम फ्री है क्या, बाहर ही फ्री कर लें ताकि आपको बाद में फिटिंग में दिक्कत ना हो, पहले आप एकदम अच्छे से फ्री कर लें। दोस्तों देखिए हमारा एकदम फ्री भी है, और देखिए प्ले भी नहीं है, देखिए प्ले भी नहीं है फ्री भी है, लेकिन दोस्तों देखिए कभी कभी क्या होता है आपको दिख रहा है फ्री है ये, लेकिन फिटिंग करें थोड़ा जाम हो जाएगा ये, अभी इसको बाहर निकाल लें। और दोस्तों हमारा ये बेरिंग आराम से घुस जा रहा है, तो इसको हल्का थोड़ा टच मारना पड़ेगा, टच मारना पड़ेगा, उससे पहले क्या करें अब इसको ग्रीसिंग कर दें। अब दोस्तों मैं बेरिंग ग्रीसिंग कर लेता हूँ, तो दोस्तों देखिए हमने इसको ग्रीसिंग कर दिया है, अभी क्या करें जो हमारा बुश है इसको बुश को साफ कर लें पहले अभी अच्छे से। दोस्तों बुश वाला काम ऐसा है कि हमेशा एकदम साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, इसमें डस्ट रहेगा, धूल रहेगा, मिट्टी रहेगा,
तो क्या होगा, आपका काम सही हो नहीं पाएगा। तो हमेशा आप इसको एकदम साफ रखें चकाचक। उसके बाद दोस्तों ये नमदा जो है इसमें डाल दें और उसके बाद उसको ऑयल से भिगा दें। दोस्तों ऑयल इतना डाला है कि इसके अंदर भर जाए, बाहर निकलना नहीं चाहिए, तो ज़्यादा नहीं भरना। दोस्तों हमारा ऑयल जो है ये गाड़ी का गियर ऑयल है, मैं बोलता बता चुका हूँ लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करेंगे सर ये कौन सा ऑयल डाल रहे हैं आप, हमारा गाड़ी का गियर ऑयल है। फिर उसके बाद में ये कवर लगा दे रहे हैं ताकि हमारा नमदा बाहर ना निकले। अभी आपको क्या करना है, साफ को भी साफ कर लेना है क्योंकि आपने उसके अंदर घसा था, हो सकता है इसमें कोई कचरा उचरा आ गया हो। अब आपको देखिए एक बार वाइंडिंग चेक कर लेना है, वाइंडिंग वाला ओके, दोनों ओके। अभी क्या करें, अभी इसको हल्का सा बंद कर देना है क्योंकि हमारा ये बेयरिंग इतना ढीला बैठ रहा है ये। दोस्तों देखिए हमारा छीनी है, इस छीनी से हल्का सा पंच करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, साफिंग करना नहीं, हल्का सा रूज बैठ रहा है और इसको छीनी का हल्का सा पंच कर देंगे। दोस्तों ठीक है अभी हो गया, अब इस बार को इकट्ठा कर लें। फिर पहले अभी डालें ऊपर वाला कवर, फिर आपको इसको दबा के बिठा देना है। दोस्तों बैठ गया, अब देखिए ये प्ले इसके अंदर भी नहीं है और हमारा टाइट भी हो गया है। अभी आपको क्या करना है, इस वायर को इस तरह इकट्ठा कर लें और अभी आपको पाइप फिटिंग करना है। दोस्तों इसका फुल टाइट करना, दोस्तों को फुल चार्ज कर देना है, कॉट भी डाल देना है। हम दोस्तों में उसको चार्ज करता हूँ, दोस्तों फुल चार्ज कर दिया हमने। अभी आपको क्या करना है, अभी इस पर ऑयल लगा देना है आपको। अपने हाथों को साफ करके अभी साफिंग के ऊपर अच्छे से ऑयल लगा दें पूरी चारों तरफ। फिर अभी रखना है आपको ये रोटर, अभी आपको ये बूस है, बूस के अंदर भी ऑयल लगा देना है। अभी लगा देना है स्क्रू आपको। दोस्तों बूस वाला काम जो है बड़ा जल्दी वाला काम नहीं है, बड़े आराम से करना पड़ता है इसको, आप जल्दीबाजी में काम नहीं कर सकते, एकदम प्यार से एकदम आराम से करना पड़ता है। बूस डालने काम एकदम फुर्ती वाला काम नहीं है। दोस्तों इसको एकदम फुल टाइट करना है, ढीला नहीं छोड़ना है। बहुत लोग डर के मारे टाइट करते नहीं हैं कि पंखा जाम हो जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है, एकदम फुल टाइट करें। तो सब फुट टाइट हो गया है और दोस्तों देखिए एकदम फ्री है, आवाज़ वगैरह भी नहीं आ रहा है। अभी आप नीचे वाला कवर लगा दें, दोस्तों मैं कवर लगा देता हूँ, टाइट करता हूँ स्क्रू। दोस्तों देखिए अपने पीछे का स्क्रू भी
फुल टाइट कर दिया है। अभी आप सीधा रख लें तो सीधे एकदम फ्री है, कोई आवाज़ नहीं है। अब इसको चला के चेक कर लेते हैं। वैसे इसकी कैपेसिटी है नहीं हमारे पास, ग्राहक से बिना लेके गया था, तो हमने पता बताया पहले आपको कि दुकानदार है, ग्राहक में ही है, उनको जमा नहीं, इसलिए मेरे पास लेके आए हो। और दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं चार वायर है, दो रनिंग के लिए लाल वाला है और जो पीला जो है स्टार्टिंग के लिए है, एक पीला एक लाल जोड़ के हम बनाने कॉमन, और फिर जोड़ देंगे एक कैपेसिटर में रनिंग वाला, एक जोड़ देंगे कैपेसिटर में स्टार्टिंग वाला। उसे देखिए चला के हमारा पंखा चल रहा है क्या, उससे पंखा चल नहीं उल्टा हो गया है, इसको सीधा करना पड़ेगा। तो सीधा करना अपने को कि लाल जो है उस लाल से एक्सचेंज कर देना बस। दोस्तों हमारा कैपेसिटर हमने यहाँ बांध दिया है क्योंकि गिर रहा था, ऐसे कैपेसिटर निकालना अपने को। अब दोस्तों देखिए चल रहा है सीधा। अब दोस्तों देखिए हमने दोनों वायर इसमें जोड़ दिया है, अब मैं इसमें लगा रहा सीरीज में। दोस्तों देखिए पंखा बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, आवाज़ भी नहीं कर रहा है, इस तरह से बूझ जा सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि डाली वीडियो में उसका नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों कुछ समझ में आया तो कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।